नमस्कार, सत्ता का महासंग्राम देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अवंतिका श्रीवास्तव। शुरू करेंगे सिलसिला चुनावी खबरों का। लोकसभा चुनाव पर सबसे पहले नजर चुकी भारतीय जनता पार्टी की पहली लिस्ट पूरी तरह से तैयार हो चुकी है। किसी भी वक्त ऐलान हो सकता है उम्मीदवारों का, पहली लिस्ट में चौंकाने वाले नाम हो सकते हैं। इस प्रकार की खबरें अब लगातार सामने आ रही हैं। कई मौजूदा सांसद ऐसे हैं जिन्हें ये उम्मीद है कि उन्हें टिकट मिलेगा, लेकिन उम्मीद से विपरीत टिकट उनका कट सकता है। दिग्गजों और नए चेहरों को तार सकती है बीजेपी, ये माना जा रहा है। जो विधानसभा चुनाव में आपने पैटर्न देखा है भारतीय जनता पार्टी का, हो सकता है कि इसी पैटर्न पर लोकसभा चुनाव लड़वाए जाए। नए चेहरों को मौका देने का प्रयास बीजेपी की तरफ से हमेशा ही रहा है। जब जब सत्ता पर काबिज हुई है, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान आपके लिए एक मिसाल के तौर पर है। लोकसभा चुनाव के लिए क्या यही स्ट्रैटेजी रहती है? क्योंकि अगर मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ को लेकर स्थिति स्पष्ट होने वाली है, तो अब धीरे धीरे आप ये समझ सकते हैं कि अलग अलग राज्यों में हो सकता है कि सेम फॉर्मूला अपनाया जाए। तो दिग्गजों और नए चेहरों को उतार सकती है बीजेपी। कई ऐसे मौजूदा सांसद हैं जिन्हें शायद ही उम्मीद होगी कि उन्हें टिकट देगी पार्टी, उनके लिए हताशा आ सकती है इस नई लिस्ट के साथ। कैंडिडेट की लिस्ट पूरी तरह से तैयार, कल देर रात तक बैठक हुई, अंतिम मोहर लग चुकी है। दिल्ली आपको लिए चलेंगे, सहयोगी विनीत कुमार हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। विनीत, एक तरफ बैठक का दौर देर रात तक चला, दूसरी तरफ इंतजार अब पहली सूची का किया जा रहा है, कितना इंतजार और? आज ये निश्चित तौर पर ये सबसे बड़ा सवाल है, लेकिन यह जिस तरह से हम देखें कि केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक के बाद जो है वो बीजेपी जो है वो सूची जारी करती है और सभी इस सूची का इंतजार कर रहे हैं। अब इसे कुछ समय बाद ही, कुछ घंटों के बाद ही सूची जारी हो सकती है। 24 से 48 घंटे बताया जा रहा है कि काफी महत्वपूर्ण है, यानी अब हम मान सकते हैं कि कल या परसों जो है वो भी कभी भी समय जो लिस्ट है, पहली लिस्ट है बीजेपी के उम्मीदवारों की, वह जारी हो सकती है। इससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि कल केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हुई जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मौजूद थे। इसके साथ ही साथ उस बैठक के पहले कोर ग्रुप की, सभी राज्यों की कोर ग्रुप की बैठक जो है वो हुई थी, और उस कोर ग्रुप की बैठक के बाद और केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक के पहले प्रधानमंत्री के नरेंद्र मोदी के आवास पर जो है एक बड़ी बैठक हुई थी जिसमें बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा मौजूद थे, साथ ही साथ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद थे। तो निश्चित तौर पर जो उम्मीदवार के नामों को लेकर के काफी मंथन हुआ है, जिसमें छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश के उम्मीदवारों को भी लेकर के मंथन हुआ। एक बड़ी बात यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर मध्य प्रदेश के बारे में बात करें तो पिछली बार बीजेपी एक सीट जो है वो छूट गई थी, जो छिंदवाड़ा का सीट था वो बीजेपी के पास नहीं रहा था, बाकी सभी सीटें जो है वो बीजेपी के खाते में गई थी। वहीं पर अगर छत्तीसगढ़ के बारे में बात करें तो वहां पर दो सीटें थी, कोरबा। विनीत, आएंगे छत्तीसगढ़ पर, इस पर मैं सवाल पूछूंगी, लौटूंगी आपके पास, फिलहाल बने रहेगा हमारे साथ। क्योंकि छत्तीसगढ़ के लिहाज से एक और बड़ी सूचना सामने आ रही है, बड़ी जानकारी है कि बीजेपी इस राज्य के लिहाज से भी बहुत ज्यादा तैयार नजर आती है। कल जो बैठक हुई थी इसमें 11 नामों को लेकर मोहर लगती हुई नजर आई है। संभावित प्रत्याशी कौन कौन हो सकते हैं ये हम आपको बताएं। रायपुर से लक्ष्मी वर्मा प्रमुख नेता के तौर पर जानी जाती है, हो सकता है कि वो या सुनील सोनी को टिकट दिया जाए। दुर्ग से विजय बघेल, प्रकाश साहू हो सकते हैं। कांकेर से भोजराज नाग या राधेलाल नाग हो सकते हैं। राजनांदगांव से मधुसूदन यादव या अभिषेक सिंह को टिकट मिल सकता है। तो ये संभावित प्रत्याशी हैं जो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों ही लिहाज से, आप समझने का अगर प्रयास करें तो कुछ ना कुछ समीकरण जरूर बैठाने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी की तरफ से चल रहा है। नए चेहरों को मौका दिया जाना, महिलाओं को टिकट देना, दोनों ही राज्यों में ये प्रमुख हलचल आप देखेंगे। हालांकि जैसी लिस्ट सामने आती है उसके बाद गुणा भाग किया जाएगा कि आखिर किस आधार पर नाम सेट किए गए हैं। लिस्ट तैयार है, ऐलान का इंतजार है। दिल्ली की बैठक में ये माना गया कि शायद बिना किसी मतभेद के नामों पर अंतिम मोहर लगी है। चूंकि कैडर बेस्ड पार्टी में, भारतीय जनता पार्टी में आपने देखा है कि अंतिम निर्णय आला कमान का होता है। और ये ग्राफिक्स आपकी टीवी स्क्रीन पर, कौन कौन चुनाव लड़ेगा क्या इस पर संशय है। राजनांदगांव से चुनाव लड़ने की चर्चाएं तेज, अभिषेक सिंह जिनका जिक्र हम कर रहे हैं, चुनाव लड़ने पर सवाल लगातार बना हुआ है। कुछ प्रमुख चेहरे जो पार्टी में, संगठन में, सत्ता में भी बहुत प्रमुख भूमिका में आपको बीते दिनों भी नजर आए हैं, लेकिन क्या एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी भरोसा जताने के लिए तैयार है या नए चेहरों को मौका देना चाहती है? तो ये जो तमाम समीकरण है मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ को लेकर धीरे धीरे कर स्पष्ट होने वाले हैं। चलिए कुछ और सहयोगियों के पास आपको लिए चलेंगे। प्रशांत कटारिया भोपाल को लेकर जानकारी देंगे।
आकाश है जो छत्तीसगढ़ के लिहाज से हम स्थिति समझाएंगे। विनीत आप देख ही रहे हैं विनीत को टीवी स्क्रीन पर। विनीत मैं आपके पास आऊं उससे पहले आकाश के पास लिए चलेंगे। आकाश अगर सुन पा रहे हो हमें, चलिए कोशिश करते हैं कि पहले हम प्रशांत से समझ लें स्थिति। प्रशांत, चूंकि मध्य प्रदेश के लिहाज से हम कल भी इसे लेकर चर्चा कर रहे थे, कई ऐसे चौंकाने वाले नाम जो लगातार चर्चाओं में चल रहे हैं उन पर अंतिम मुहर की तैयारी, इस लिहाज से खबर बताइए। देश का है तो जैसा जी प्रशांत, लेकिन नाम स्वाभाविक है कि एक साथ अनाउंस किए जाएंगे। कल हो सकता है कि नाम अनाउंस कर दिए जाएं और उनमें मध्य प्रदेश की जो सीटों की संख्या है वो ज़्यादा हो, 20 से ज़्यादा नाम एक साथ अनाउंस कर दिए जाएं। लेकिन जो बहुत महत्वपूर्ण है समीकरण, इनमें अवंतिका समझिएगा कि कुछ जो विधानसभा चुनाव हारे हैं दिग्गज नेता हैं उनको लोकसभा चुनाव में भी मौका दिया जा सकता है, स्पेस दिया जा सकता है। दूसरा जातिगत समीकरण जिसका जिक्र अभी भी नहीं जिक्र हुआ है वो भी बहुत महत्वपूर्ण है, वो ज़रूर रहेगा क्योंकि शंकर लालवानी का इंदौर से कहा जा रहा है कि टिकट कट सकता है, लेकिन उनके साथ एक प्लस पॉइंट है कि वो सिंधी समाज से आते हैं, एक कम से कम एक प्रतिनिधि मध्य प्रदेश में सिंधी को सिंधी समाज से वो ज़रूर रखेंगे। दूसरा विंध्य का अगर आप जिक्र करें, तीन सीटें हैं मतलब तीन जो महत्वपूर्ण, सतना, सीधी और रीवा, यानी एक अगर ब्राह्मण को देंगे तो दूसरा क्षत्रिय को देंगे, तीसरा कुर्मी समाज को देंगे। ये जो बैलेंस जरूर बनाने का ध्यान रखा गया है, यानी जातिगत समीकरण का भी बैलेंस यहाँ पर जरूर रहेगा। दूसरा कुछ ऐसी सीटें हैं जहाँ पर बड़े नेता चाह रहे हैं, जैसे भोपाल का ही जिक्र है, भोपाल से खुद वी डी शर्मा चाह रहे थे कि भोपाल से वो चुनाव लड़ें क्योंकि संगठन की जिम्मेदारियाँ उन पर ज़्यादा हैं। ऐसे में अगर खजुराहो उन्हें थोड़ा सा दूर पड़ता है, समय टाइम टेकन भी होता है उस नजरिए से। हालांकि यहां से नरोत्तम मिश्रा का भी नाम था, चर्चा उनकी भी है, लेकिन आलोक शर्मा का नाम और ज्यादा तेजी से आगे चल रहा है, आलोक शर्मा का नाम। दूसरा छिंदवाड़ा का जिक्र जरूर हो रहा था, पहले चर्चाएं थी कि शिवराज के नाम पर भी चर्चाएं भी हुई, लेकिन वहां से किसी आदिवासी को ही मैदान में उतारे जाने की पूरी संभावना है, या तो जो पिछले कैंडिडेट थे वो, या फिर अगर कोई चेहरा बदला जाता तो हो सकता है कि फग्गन सिंह कुलस्ते को यहाँ छिंदवाड़ा से मैदान में उतार दिया जाए। ऐसे ही दो श्रेणियों में दरअसल बीजेपी ने सीटों को बांटा था। एक ऐसी श्रेणी थी जहां पर चेहरा कोई भी हो बीजेपी का, कोई फर्क नहीं पड़ता, जीत तय है, यानी इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर, भोपाल, बड़े शहर जो, और कुछ और ऐसी सीटें सागर। तो वहां लौटूंगी आपके पास, चूंकि बहुत अच्छे से समीकरण भी आप समझा रहे हैं। आप छत्तीसगढ़ के लिहाज से भी जरा समझ लेते हैं, चूंकि कई ऐसे चौंकाने वाले नाम सामने आए लिस्ट में जो संभावित तौर पर हो सकता है प्रत्याशी बने। आकाश, समीकरण क्या सोचकर चल रही है बीजेपी, कोई अनुमान लगाए क्या? जी बिल्कुल, देखिए छत्तीसगढ़ में 11 सीटें हैं और 9 सीटें जो हैं वो भाजपा के पास है, 2 कांग्रेस के पास है। इस बार भाजपा ने लक्ष्य रखा है कि पूरा 11 सीटें जीतने का। ऐसे में कहीं ना कहीं परिवर्तन हो सकता है क्योंकि सरगुजा, बिलासपुर और रायगढ़ जो सीटें थे वहां से सांसद जो है विधानसभा पहुंच चुके हैं, तो वो सीटें पूरी खाली है, तो वहां पर किसी नए प्रत्याशी को मौका मिल सकता है। इसी तरीके से अगर हम बात करें तो रायपुर की, तो रायपुर में जो है सांसद सुनील सोनी दावा ठोक रहे हैं, इसके साथ ही नई प्रत्याशी लक्ष्मी वर्मा उभर कर सामने आ रही, तो इनको मौका मिल सकता है। राजनांदगांव की अगर बात करें तो मधुसूदन यादव और अभिषेक सिंह का नाम सामने आ रहा है। इसी तरीके से कई दावेदारी देखने को मिल रही है। भाजपा का कहना है कि कई नए चेहरों को मौका दिया जा सकता है, तो पूरी जो 11 सीटों में एक दो चेहरे पुराने होंगे, बाकी सभी चेहरों में नए प्रत्याशी को ही मौका दिया जाएगा। जल्द ही सूची आने वाली है और देखना होगा कि किन्हें मौका मिलेगा। जी ठीक है, चलिए देखने वाली बात कि कौन सा अगला कदम होता है, बने रहेगा हमारे साथ। विनीत के पास लिए चलेंगे अब आपको। आप चूंकि विनीत, भारतीय जनता पार्टी के लिहाज से अगर बात कर रहे हो तो शायद हम और आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि पार्टी क्या करने वाली है, लेकिन एक पैटर्न हमारे पास विधानसभा चुनाव का है। नए चेहरे उतारे गए हैं और तीनों ही राज्यों में हमने देखा है कि नए चेहरों के ऊपर दांव भी खेला गया, सफल भी बहुत अच्छे से बीजेपी हुई है। लोकसभा चुनाव में ऐसा हो सकता है क्या?
आज ये निश्चित तौर पर लोकसभा चुनाव में भी ऐसा हो सकता है। अगर हम 2019 की बात करें और छत्तीसगढ़ की बात करें तो वहां पर कुल में जो सांसद थे सभी सांसदों का टिकट जो है वो काट दिया गया था। 10 सांसद थे, 11 में से 10 सांसद जो है बीजेपी ने जीते थे और सभी 100 सांसदों का टिकट जो है वो काट दिया गया था। तो निश्चित तौर पर बदलाव जो है वो बीजेपी कर सकती है। एक बड़ी बात यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर छत्तीसगढ़ के लिहाज से बात करें तो दुर्ग एक ऐसा सीट है जहां पर बीजेपी न 2014 में जीती थी न 2019 में जीती थी। तो निश्चित तौर पर दुर्ग को लेकर के भी बीजेपी जो है वो कड़ी मेहनत करेगी। अब यह देखने वाली बात है कि दुर्ग से बीजेपी किसे अपना उम्मीदवार बनाती है। इसके साथ ही साथ अगर हम बात करें तो कोरबा एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें 2019 में बीजेपी हार गई थी, वहां से ज्योत्सना महंत जो है वो चुनाव जीती थी। तो निश्चित तौर पर वहां पर भी बीजेपी जो है वो प्रयास करेगी कि कोरबा सीट जो है वो अपने पाले में करे। एक बड़ी बात यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो कोरबा जिस क्षेत्र में आता है जांजगीर चांपा क्षेत्र में जो है वो कहा जाता है, वहां पर जब जो पिछली बार विधानसभा का चुनाव हुआ था, अभी हाल ही में जो विधानसभा का चुनाव हुआ था वहां पर कांग्रेस ने बेहतर प्रदर्शन किया था। हालांकि राज्य में जो है वो बीजेपी की सरकार बनी थी। ऐसे में बीजेपी के लिए एक बड़ी चुनौती होगी कि आखिरकार कोरबा से वो किसे टिकट दे, किसे अपना उम्मीदवार बनाए, जिससे कि 11 की 11 सीट का जो टारगेट बीजेपी ने रखा है उस टारगेट को बीजेपी पूरा कर ले। इसके साथ ही साथ अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में पिछली बार सिर्फ एक ही सीट ऐसी थी छिंदवाड़ा जिसे बीजेपी जीत नहीं सकी थी और इस बार भी स्थिति डामलडोल लग रही है। अभी देखने वाली बात विनीत की मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में क्या कोई बदलाव भारतीय जनता पार्टी करती है। बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका ये जानकारी साझा करने के लिए। प्रशांत आपका भी धन्यवाद, आकाश आपका भी शुक्रिया। और एक और खास रिपोर्ट आपको बताएं, कभी कांग्रेस का गढ़ जो सीधी कहा जाता है लोकसभा सीट पर आज बीजेपी का कब्जा होता जा रहा है। पार्टी यहां जीत की हैट्रिक लगा चुकी है और इस सीट पर कांग्रेस एक बार फिर से जीत के लिए जोर भी लगा रही है। लेकिन पिछले 15 सालों से बीजेपी का लगातार बढ़ता वोट शेयर पार्टी के लिए एक बड़ी मुसीबत। पूर्व सांसद रीति पाठक के विधायक बनने के बाद से बीजेपी का चेहरा कौन होगा इस पर सस्पेंस अभी भी है। लोकसभा चुनाव है और नेताजी एक बार फिर जमीन पर आ गए हैं। जमीन पर आए हैं जमीन मजबूत करने के लिए। पिछले 3 बार से लगातार यहां हार का मुंह देख रही कांग्रेस इस बार 2024 में जीत के लिए जोर लगा रही है। कांग्रेस का दावा है कि यहां से पार्टी के 5 से 10 दावेदार तैयार हैं दांव लगाने और मैदान मारने के लिए। इनका जो षड्यंत्र है सरकारी तंत्र का, धन बल का और ईवीएम का, उसपे भारी पड़े हैं। पर जनता बदलाव चाहती है और जनता खुद आश्चर्यचकित है कि ये हुआ कैसे। लोकसभा क्षेत्र पे 5-5, 10-10 उम्मीदवारों ने आवेदन प्रस्तुत किए और एक एक से प्रबल दावेदार है। पार्टी जिसको भी टिकट देगी, जिसको भी अपना उम्मीदवार बनाएगी, कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता नेता क्या होगा, पूरी ताकत से लड़ाई लड़ेंगे। कभी कांग्रेस का गढ़ रही सीधी लोकसभा सीट पर इस वक्त बीजेपी की पकड़ मजबूत है। यहां के पिछले कुछ चुनावों में जीत पर नजर डालें तो साल 2019 में रीति पाठक बीजेपी से, 2014 में ही रीति पाठक बीजेपी से, 2009 में गोविंद प्रसाद मिश्रा बीजेपी से, 2007 में मानिक सिंह कांग्रेस से, 2004 में चंद्र प्रताप सिंह बीजेपी से और 1999 में चंद्र प्रताप सिंह बीजेपी से। सीधी से पिछले 2 बार से सांसद रही रीति पाठक अब विधायक बन चुकी हैं। ऐसे में यहां पर बीजेपी किसको टिकट देगी इस पर सस्पेंस है। लेकिन रीति पाठक पार्टी के लिए जमीन तैयार कर रही हैं। जनगणना करके इनको जाति में भेद करेंगे, बांट देंगे और जाति में बांटने के बाद हम अपना काम करेंगे। पर कांग्रेस ने तो हमेशा शासन और सत्ता की राजनीति की। कांग्रेस ने कभी हृदय से जनता की सेवा करने का काम नहीं किया। ये भारतीय जनता पार्टी जिसका संकल्प अगर कुछ है वो सेवा है। अब वो कांग्रेस पार्टी है जिसका संकल्प अगर कुछ है वो मेवा है जो उनके जेब में जाना चाहिए। सीधी लोकसभा सीट के चुनावी इतिहास पर नजर डालें तो शुरुआती दौर में ये सीट सोशलिस्टों के कब्जे में थी। पहले 2 चुनाव में शहडोल सीट के साथ जुड़ी थी, फिर कांग्रेस ने यहां अपनी पैठ बनाकर इसे अपना गढ़ बना लिया।
साल 1962, 67, 1980, 84 और 1991 में यहां से कांग्रेस प्रत्याशी की जीत हुई। बीच में कई बार जनसंघ और बीजेपी के प्रत्याशी भी जीते। साल 1999 से बीजेपी ने सीट पर अपना कब्जा जमा लिया। साल 2009, 14 और 2019 में लगातार तीन चुनाव जीतकर बीजेपी ने यहां जीत की हैट्रिक लगाई। यहां बीजेपी का वोट प्रतिशत भी लगातार बढ़ रहा है। ऐसे में सीधी की सीट कांग्रेस के लिए टेढ़ी डगर है। हरीश द्विवेदी, न्यूज 18, सीधी। और इसी बीच वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन लौटते हैं।